वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट. सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू सी आवर वीडियो फर्स्ट. Hello all, welcome back students. In today's video we are going to discuss syllabus of financial accounting for BCom and BCom program of financial accounting. ठीक है, जो semester 1 2019 के लिए आपका syllabus है that is BCom और BCom honors का and the subject name is आपका financial accounting. Okay. The subject name is what? Financial accounting. So this is the syllabus of financial accounting for BCom and BCom honors. I just want to tell you one thing that कि जो आपका syllabus BCom and BCom honors का for financial accounting for semester 1 है बिल्कुल same है, कोई difference नहीं है. जिस तरीके से भी है मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, so let's start with the video. Please, before watching the whole video, make sure that you subscribe to my channel, share this video with your friends and join me on my Instagram account ko join karna aapke liye kafi useful ho sakta hai, so you can join my Instagram account. So let's start with the video. Okay, now let me tell you one thing. Aapka jo unit 1 hai that is introduction. Theek hai, introduction hai. Is introduction mein kya kya cheeze cover hai aapko wo dhyan deni hai. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन. यानी कि अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्या कन्वेंशन होते हैं. इलेवेंथ क्लास का जो बेसिक होता है वो है. देन उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे. फिर आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, देखो ये यूनिट है, यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, तो ये चैप्टर्स हैं. ओके, उसके बाद एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग फॉर्म विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये आपको पता ही है, जो मैं आपको करा रही हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम वो है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं. ठीक है, देन आपका वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये चीज यहाँ पे है. इज दैट क्लियर? सो ये यूनिट 1 के अंदर काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है. ये जो है ये पूरा बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है. देन उसके बाद आपका नेक्स्ट उसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट है दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्युएशन. ये भी दोनों में सेम है. देन नेक्स्ट आपका यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये भी सेम है. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी सेम है. तो चार यूनिट एग्जैक्ट बिल्कुल आपके सेम है. ओके, अब हम अगर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो आपका जो यूनिट नेक्स्ट यूनिट है ना वो बीकॉम ऑनर्स में यूनिट नंबर 5 है. एक यूनिट है जिसमें स्पेशल अकाउंटिंग टाइप्स है. उन्होंने दिया स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, हायर परचेज एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में जो ये वाली चीज है वो है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजेक्शन एंड यूनिट 6 है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. यानी कि द ओनली डिफरेंस इज दिस कि बीकॉम प्रोग्राम में उन्होंने एक ही यूनिट के नाम पे दिया है एंड बीकॉम ऑनर्स में एक ही यूनिट के नाम पे दिया. बीकॉम प्रोग्राम में उन्होंने इस वाले यूनिट को 2 पार्ट्स में बायफिकेट कर दिया. सो इट डजंट मैटर बिकॉज सिलेबस तो आपका सेम ही हो गया ना. सो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपकी ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो है आपकी बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम, ये आपकी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है वो क्या है, सेम है. क्या है ये आपकी, सेम है फॉर सेमेस्टर 1. ठीक है, सेमेस्टर 1 2019 जो अभी एप्लीकेबल हुआ है उसके लिए आपका ये सेम है. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गाइज. इफ इट इज प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन एंड ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि आपको उससे हेल्प होगी. विदाउट फॉलोइंग मी आप मुझे मैसेज भेजते हैं तो वो जो मैसेजेस हैं दैट गोज टू अ पेंडिंग जोन ऑफ मैसेजेस. सो मैं आई एम नॉट एबल टू सी ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन आपके मैसेज आए होते हैं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है. ओके, so please try to follow me because if you are if you are taking help of my you videos so you can follow me, it's not big deal I think. So please follow me for that and yeah, so this is all about this video. Till then, next video, bye bye and take care.